आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है, चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. क्या आयुष, ये क्या कर रहे हो? सारा टमाटो केचप वेस्ट कर रहे हो तुम। क्या मम्मी, इतना अच्छा स्माइली बना रहा हूँ और आप कह रहे हो मैं टमाटो केचप वेस्ट कर रहा हूँ? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, झूठ बोलोगे तो 2 मिनट में पकड़े जाओगे, समझे? अच्छा बाबा ठीक है, पकड़ लिया आपने। आपके लिए नहीं, नूपुर दीदी के लिए बना रहा था। पर माँ ये तो सोचो, मैं हूँ तो आपका बेटा, मेरी तारीफ होगी तो आपकी भी तो तारीफ होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, महान साइंटिस्ट आयुष की जो माँ हूँ, इतनी बड़ी स्माइली बना के क्या मजेदार इन्वेंशन किया है उसने। पर माँ किसी को स्माइल कराना बड़ा काम नहीं है क्या? वाह बेटा, बातें तो बड़ी बड़ी करने लगे हो आजकल तुम, है? तो बड़ी बड़ी बातें करने का सिर्फ बड़ों को है, छोटों को नहीं। हक है स्वामी जी, श्री श्री आयुष महाराज, आपको हक है बड़ी बड़ी बातें करने का। देखो नुकुर बेटी आ गई है। अरे आ गया, आओ बेटा। नमस्ते, तुम्हारा ही इंतजार था, आओ। अच्छा दीदी आप आ गए, अब हम गर्मियों की छुट्टी में बहुत मजे करेंगे, नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे खूब मस्ती करेंगे। अच्छा नुपुर अभी जल्दी से तैयार हो जा, फ्रेशन अप हो जा, है ना, थक गई होगी। मैंने तेरे लिए जूस और नाश्ता पहले से तैयार करके रखा है, आ जा फटाफट। चलो दीदी चल जा। सुनिए आपने कुछ नोटिस किया? लगता है ये अभी तक उस सदमे से उभरी नहीं है। हाँ ये देखो कितनी जिंदा दिल लड़की होती थी, हरदम मुस्कुराती रहती थी, और अब देखो कैसे चुप सी रह गई है, मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई है। बिल्कुल ही भूल गई। वरुण सिर्फ उसका छोटा भाई ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी तो था, जिसे वो अपने साथ स्कूल ले जाती थी, खिलाती थी, पढ़ाती भी थी, संभालती थी वो उसे। उसके जाने के साथ साथ इसका सब कुछ ही चला गया। दीदी ने अच्छा किया कि इसको यहाँ भेज दिया, दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर रहेगी और यहाँ ईटानगर में रहेगी तो उसका मन भी बदल जाएगा। सही कह रहे हैं आप, थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो उसका मन भी बदल जाएगा। मैंने उसके लिए सैंडविचेस बना के रखे हैं, लेके आते हैं अभी। बेटा, रिलैक्स, बेटा, रिलैक्स, रिलैक्स, बेटा, प्लीज, प्लीज, रिलैक्स, रिलैक्स, बेटा, रिलैक्स,
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? My God, टीवी बंद करो ना, टीवी बंद करो। टीवी है बेटा, वरुण नहीं है, सचमुच में थोड़ी ना बिजली कड़की है, वो सिर्फ टीवी का एक प्रोग्राम है। तुम ऐसे डरो मत, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स। ये लो मैंने तुम्हारे लिए जूस लाया था ना, ये जूस पियो। अच्छा शांत हो जाओ, ये लो बेटा, ये जूस पियो। हिम्मत रखो बेटा। शांत हो जाओ बेटा। अचानक से बिजली कड़के या जोर से बिजली कड़के तो कोई भी इंसान चौंक जाएगा, मगर कुछ लोगों के लिए ये बिजली कड़कने की आवाज डर के दरवाजे खोल देती है। जैसा कि नूपुर के साथ हो रहा, कोई 5-6 साल का बच्चा हो और वो बिजली कड़कने की आवाज से डरे तो समझ भी आता है। लेकिन नूपुर जैसी टीनेजर क्यों बिजली कड़कने की आवाज से डर रही थी? आखिर क्या वजह थी? क्या इसके पीछे कोई कहानी या हालात थे? क्या वजह थी कि नूपुर को लाइटनिंग और थंडर का फोबिया था? आइए देखते हैं। ये दीदी, इस बार क्वीन मेरी। क्वीन तो ले ली, कवर कहाँ से लेगा? कवर थोड़ी देर बाद ले लूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, क्वीन लेने के नेक्स्ट चांस पे कवर लो, वरना क्वीन वापस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्वीन लेने के बाद 5 चांस में तुम कभी भी कवर निकाल सकते हो। अच्छा बच्चू, ये रूल जरूर तूने 1 मिनट पहले बनाया होगा। 10 सेकंड्स पहले। बातें बंद कर और कवर ले। नहीं गई, चल अब क्वीन रख। रहने दो ना दीदी, बेकार में क्यों परेशान करना रानी को। देखो ना कितने अच्छे से रह रही है। बकवास बंद कर और क्वीन चुपचाप से अंदर रख दो। क्या यार, बाहर जाने का प्लान था और बारिश ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। धीरे धीरे बरसती जा रही है। यहीं के आए और चलती बने। तो बादल भी आपसे पूछकर बरसेंगे क्या? भाई मुझसे ना पूछ के बरसे, लेकिन एक लॉजिक होता है बरसने के पीछे। धीरे धीरे बरसती रहेगी तो कैसे चलेगा? लो सुन ली तुम्हारी। संभालो अपने आप को, संभालो। चिड़िया उड़, तोता उड़, गाय उड़, भैंस उड़। क्या बाबा, इतना धीरे बोलोगे तो कोई भी नहीं फंसेगा। कितने धीरे बोल रहे हो आप, मुझे तो नींद आ रही है, बल्कि मैं तो नींद में भी जीत जाऊं अगर आप इस स्पीड से बात करेंगे तो। इतनी बेइज्जती अब बताता हूं तुम लोगों को। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, मोर उड़, आयुष उड़। मम्मी ने मुझे उड़ा दिया। अब बताओ, तुम तो मुझे नींद में भी हराने की बात कर रहे हो, अब क्या होगा? अब मामी से क्या कराया जाए? आयुष, मम्मा ने तुमको उड़ाया, अब तुम ही बताओ मम्मी से क्या करवाना चाहिए। तो तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत मम्मी को गाना गाने की सजा देती है। Hey, my lord, please, मुझे प्लीज एक मौका दे दो। मैं अबला नारी बेचारी, मैं एक मौका लेना चाहती हूँ आपसे, प्लीज। कोई मौका नहीं मिला, गाना तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। तो बच्चों, हाँ हाँ और क्या। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गाती हूँ। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। अरे वाह मामी, आप तो बहुत अच्छा गाती है। अरे तुम्हें आज पता चला? मम्मी अभी खेलना चालू करे। ठीक है, तुम्हें खेलने की पड़ी हुई है। क्यों नहीं पड़ी होगी, अगली बारी मेरी जो है। अच्छा चल चल शुरू। तो सब अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध ले, क्योंकि आयुष की गाड़ी बहुत तेज चलती है, कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है।
मैना उठ, पंची उठ, बतख उठ, भैंस उठ, उठ। लो सबकी सीट बेल्ट बनवा दी और अपनी ही लगाना भूल गया। हो गया ना एक्सीडेंट। मम्मी बस एक चांस और। बिल्कुल नहीं, गलती की है, सदा तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा बताओ क्या करना है? तुम बताओ नुपुर, क्या सजा दी जाए? इसे नचाया जाए। अच्छा ठीक है, पापा गाना लगा दो। देखो ना पापा, दीदी अचानक से उठ के आयुष और सुलाने लगी। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? मामा मैंने देखा कि आयुष डांस कर रहा है, हम सब बहुत खुश है। अचानक से बिजली गिरी और आयुष रो मत, वो देख आयुष ठीक है ना? ठीक है ना, सपना था वो, भुला दे उसे, है ना? हाँ बेटा, उस याद को भी एक बुरा सपना समझकर भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उस सदमे से बाहर निकलो बेटा, तब तक उसको अपने दिल में लगाए बैठे रहोगी। मैं सब समझती हूँ मामा, लेकिन मुझे नहीं हो पा रहा, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने डर पे काबू पा लूं, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मैं जितना सोचती हूँ कि इस घटना को अपने दिमाग से निकाल लूं, ये उतना याद आती है, और उतना याद आती है, उतना याद आती है। मेरे दिल से एक बार भी ताला है। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। क्या? तो बताइए क्या प्रॉब्लम है और किसको प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, ये नुपुर है, मेरी भांजी। इसे बिजली कड़कने और बादल गरजने की आवाज से बहुत डर लगता है। लेकिन क्यों? दरअसल डॉक्टर साहब, पिछले बरसात की बात है, नूपुर अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ पिथौरागढ़ गई थी। वहाँ पे वादियों के बीच में पहाड़ी के ऊपर ये लोग सब एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। नूपुर के मम्मी और पापा तो पेड़ के नीचे जाके खड़े भी हो गए, लेकिन नूपुर और उसका भाई बाहर भीगते रहे। शाम का वक्त था और बिजली बहुत जोरों से कड़क रही थी। वरुण को बहुत मजा आ रहा था, जितनी जोर से बिजली कड़कती वो उतना ही उछलता। तभी अचानक मम्मा के फोन पे कॉल आया, जो एक प्लास्टिक में वरुण के पॉकेट में था, और वो फोन रिसीव करने जा। मैंने मना किया था उसे, पर उसने मेरी नहीं सुनी। लेकिन जो हुआ वो एक बहुत ही ट्रेजिक और रेयर एक्सीडेंट। लापरवाही की होगी हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट की उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन वरुण को समझने वाली दीदी वरुण जैसी गलती कैसे कर सकती? कैसी गलती डॉक्टर? उस हादसे को अपने दिमाग में बार बार रीप्ले करने की गलती। देखो नूपुर, जब भी बिजली कड़कती तुम उस हादसे को याद करती, उस हादसे का डर फोबिया में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उस फोबिया से बाहर आने का एक ही इलाज है, यू हैव टू फेस योर फियर।
नूपुर ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा था और उस हादसे का वो विजुअल उसके दिल दिमाग और उसकी आंखों में बस गया था। अब इस डर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि वो उस विजुअल को अपने अंदर से बाहर निकाले। बिजली कड़कते हुए देखना और सुनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई अपने वरुण पे बिजली गिरते हुए देखा था। वो मेरे सामने मर गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मानो एक पल में मेरी पूरी जिंदगी से अलग हो गया मेरा छोटा भाई। ना मैं उसे बुला सकती हूँ और ना ही मैं उसके मौत के विजन को। दीदी आप सच में जा रहे हो? रुक जाओ ना कुछ दिन और। नहीं आयुष, ईटानगर में जल्दी बारिश आ गई और तुम तो जानते हो मुझे बारिश से डर लगता है, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। दीदी कुछ दिन और रुक जाओ ना, हम तो कहीं घूमने भी नहीं गए। वाटर पार्क जाने की बात हुई थी और मूवी भी देखने की बात हुई थी। वाटर राफ्टिंग तो आपका खुद का प्लान था ना। प्लीज रुक जाओ ना दीदी, हम खूब मजे करेंगे। आयुष प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं रुक सकती। वरुण के जाने के बाद मैं बहुत अजीब सी हो गई हूँ। कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ मन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कहीं से वो सामने आ जाएगा और खूब सारी बदमाशियां करने लगेगा। अक्सर बैठी होती हूँ तो लगता है कि वो पीछे से दबे पाव आ रहा है। पीछे पलट के देखती हूँ तो वो नहीं होता। लोग कहते हैं कि मैं उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे नहीं भुलाना चाहती। मैं उसे हमेशा याद रखना चाहती हूँ। हाँ, इस डर से छुटकारा चाहिए मुझे, लेकिन अब तो बारिश शुरू हो चुकी है और मेरा डर यहाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अच्छा दीदी, अगर मेरी जगह वरुण पे ये रिक्वेस्ट करते तो क्या आप तब भी नहीं रुकती? ऐसे मत कहो आयुष, तुम मेरे लिए वरुण जैसे ही हो और वरुण के जाने के बाद मैं तुम ही उसे देखती हूँ। तो ऐसा समझ लो ना कि वरुण पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं जा रही। हमारा प्लान काम कर गया। नूपुर हमारे कहने से नहीं रुकती। बहुत अच्छा किया जो तुमने आयुष को भेज दिया। मैं अपने डर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि इस डर से भागना इसका इलाज नहीं है। मैं जितना इससे दूर जाती हूँ ये उतना गहरा होते जा रहा है, इसीलिए मैंने इससे लड़ने की ठानी और मुझे जरूरत थी एक साथी की। और आयुष से बेहतर साथी कौन हो सकता है? नूपुर बेटा, नूपुर बारिश होने वाली है, चलो अंदर। क्या मामे आप भी?
लोग न जाने कहां कहां से नॉर्थ ईस्ट बारिश का मजा लेने आते हैं, और आप कह रही है कि मैं घर के अंदर बैठ जाऊं? आज तो मैं बारिश में भीगूंगी। लेकिन बादल भी तो गरजने वाले हैं। तो गरजने दो। बराबर, आपको थंडर और लाइटनिंग से तो डर लगता था। मामू, मैं पिछले दो हफ्तों से थंडर और लाइटनिंग की आवाज सुन रही हूँ। पर पिछले एक हफ्ते से तो बारिश हुई थी, तो तुमने आवाज कहाँ से सुन ली? मैंने नेट से इसमें थंडर और लाइटनिंग की आवाज डाउनलोड कर ली और पिछले एक हफ्ते से इसे लगातार सुन रही हूँ। शाबाश बेटा, डर को जीतने के लिए उसका हिम्मत से सामना ही करना पड़ता है। फाइट द फियर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। अरे वो देखो, बारिश होने वाली है। आप कपड़ों को अंदर रख के आए, हम सब बारिश का मजा लें। यस! बिजली खड़कने की आवाज से नूपुर कांप जाती है, क्योंकि बिजली गिरने की वजह से ही नूपुर ने अपने भाई को खोया था। और जब कोई फोबिया किसी अपने को खोने की वजह से होता है, तो उस फोबिया को बाहर निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं होता। लोगों को उनके फोबिया से निकालना और उस फोबिया के डर से निकालना, यही फ्राइट फाइट का असली मकसद। यहाँ हम अलग अलग तरह के फोबिया को देखते हैं और समझते हैं, और उस फोबिया को जीतने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। फोबिया के इलाज में दवा तो दी जाती है, मगर इस तरह के मर्ज में सबसे बड़ी दवा होती है हिम्मत। और हिम्मत की दवा किसी केमिस्ट की दुकान पर नहीं मिलती, वो तो प्यार और विश्वास से पाई जाती है। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, डर के आगे जीत है।